हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ इमेजेस। तो बेसिकली मेथड ऑफ इमेजेस ये कंसेप्ट है क्या, इसकी थ्योरी क्या है, सारी चीजें आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ इमेजेस को हम इमेज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली मेथड ऑफ इमेजेस का यूज क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। तो मेथड ऑफ इमेजेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसके अलावा पोटेंशियल, इसके अलावा रो वी, ये चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मेथड ऑफ इमेजेस यूज करते हो तो वहां पर फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाप्लास या पॉइजन इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो हम जानते हैं कि काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर मेथड ऑफ इमेजेस के थ्रू ही, इस कंसेप्ट के थ्रू ही वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये बात भी सही है कि मेथड ऑफ इमेजेस जो है आपका, वो हर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी काफी बेनिफिशियल मेथड है हमारे लिए, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें लर्न करना है। तो बेसिकली जैसा मैंने बोला, मेथड ऑफ इमेजेस जो है EDV ROV, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। बेसिकली जब भी आपको EV ROV या D कैलकुलेट करना हो ड्यू टू चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर जब आपको कैलकुलेट करना हो EV ROV या D, तब आप मेथड ऑफ इमेजेस यूज कर सकते हो, आपको लाप्लास या पॉइजन इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप क्या कंसेप्ट यूज करते हो यह आपके लिए समझना जरूरी है। यहां पर आप ये कंसेप्ट यूज करते हो कि जो आपका कंडक्टर सरफेस होता है ना, वो इक्विपोटेंशियल होता है। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में। तो जो कंडक्टर सरफेस आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इस कंसेप्ट का आप यहां पर इस्तेमाल करते हो। अब अगर मैं यहां पर ये डिस्कस करूं कि ये जो मेथड ऑफ इमेजेस है या जो इमेज थ्योरी है वो क्या स्टेट करती है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो सपोज करो आपका चार्ज कॉन्फिग्रेशन है अबव एन इनफिनाइट ग्राउंडेड परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई चार्ज कॉन्फिग्रेशन है इनफिनाइट ग्राउंडेड परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे सिस्टम को, कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, आपका चार्ज हो गया और आपका जो परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेन है, इन्हें आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, इन्हें आप रिप्लेस कर सकते हो चार्ज कॉन्फिग्रेशन इटसेल्फ, मतलब चार्ज कॉन्फिग्रेशन से, इसके अलावा इट्स इमेज, उसकी इमेज, और बीच में आपका होगा जो आपका कंडक्टिंग प्लेन था ना, उसकी जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं, उससे ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो आप देखो, सपोज करो आपका यहां पर एक कंडक्टिंग प्लेन है, मैं एक आपको एक सिंबल बना देता हूं बस, ठीक है। तो ये आप समझ जाना, ये क्या है आपका इन्फिनाइट ग्राउंडेड परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेन। तो यहां से एक आपका मान लो चार्ज कॉन्फिग्रेशन है प्लस क्यू, तो होगा क्या कि जब आप इस पूरे सिस्टम को मान लो आप रिप्लेस करोगे इमेज थ्योरी के थ्रू, तो आप क्या बना सकते हो, आप यहां पे बना सकते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये आपकी होगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, जो कि आपने कंडक्टिंग प्लेन की जगह यूज की होगी, और इसके अलावा यहां पर आपका होगा प्लस क्यू और यहां पर आपका होगा माइनस क्यू। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। और यहां पर भी अगर आपका कंडक्टिंग प्लेन है तो यहां पर भी आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो आप क्या करोगे कि इन्फिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन की जगह, परफेक्ट कंडक्टिंग प्लेन की जगह आप बना दोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऊपर आपका होगा प्लस क्यू जो कि पहले से था, तो उसके कारण आपका एक इमेज बन जाएगी माइनस क्यू। तो अगर मैं फिर से रिपीट करूं तो इमेज थ्योरी स्टेट्स दैट अ चार्ज कॉन्फिग्रेशन अबव एन इनफिनाइट ग्राउंडेड परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेन मे बी रिप्लेस्ड बाय चार्ज कॉन्फिग्रेशन इटसेल्फ, इट्स इमेज एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इन प्लेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेन। ये पॉइंट आपको यहां पर अच्छे से अब क्लियर होना चाहिए। यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है प्लस क्यू माइनस क्यू वाला, लेकिन मैं आपको भी और एग्जांपल दे देता हूं। लेट सपोज आपका है यहां पर रो एल, तो प्लस रो एल है लेट सपोज, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस रो एल, और इस तरीके से आप यहां पर बना दोगे अब
बिल्कुल आपको सिमेट्रिकल बनाना होगा। आप सिमेट्रिकल इस तरीके से शो कर दो, यहां पर आप शो कर दोगे माइनस रो एल। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। बिल्कुल आपको यहां पर सिमेट्रिसिटी शो करनी होगी क्योंकि इसकी इमेज है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप यहां पर शो करते हो रो वी, लेट सपोज यहां पर मैं माइनस रो वी शो कर देता हूं इस बार, तो यहां पर आप माइनस रो वी जब शो करोगे तो यहां पर आपको शो करना पड़ेगा प्लस रो वी। ठीक है, जस्ट आपको ना इमेज ही ड्रॉ करनी है और कुछ न्यू काम आपको यहां पर परफॉर्म नहीं करना है। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो यही होती है आपकी इमेज थ्योरी। इमेज थ्योरी इस मेथड को, इस कंसेप्ट को अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो दो चीजें ऐसी हैं जो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि इमेज चार्ज जो है वो इस तरह से लोकेट होना चाहिए कि वो कंडक्टिंग रीजन में ही लोकेटेड हो। ठीक है, इमेज चार्ज शुड बी लोकेटेड इन अ कंडक्टिंग रीजन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इमेज चार्ज। सेकेंड पॉइंट, इमेज चार्ज आपका इस तरह से लोकेटेड होना चाहिए कि जो आपका सरफेस है ना उस पर आपका पोटेंशियल जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो इमेज चार्ज है वो इस तरीके से लोकेटेड होना चाहिए कि कंडक्टिंग सरफेस में जो पोटेंशियल है वो या तो कांस्टेंट हो या तो क्या हो, आपका जीरो हो। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन है आपकी, इमेज चार्ज शुड बी लोकेटेड इन अ कंडक्टिंग रीजन, सेकेंड इमेज चार्ज शुड बी लोकेटेड सच दैट जो कंडक्टिंग सरफेस है उसमें जो पोटेंशियल है वो या तो कांस्टेंट हो या तो क्या हो, आपका जीरो हो। तो यही होती है आपकी इमेज थ्योरी। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। जैसा मैंने बोला कि आप सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखना, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस रो एल, ऐसा मैंने बनाया था। तो ये हो गया माइनस रो एल, और इसके अलावा माइनस रो वी प्लस रो वी, इस तरीके से आप यहां पर शो कर सकते हो। अब यहां पर ना मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करवा देता हूं, एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, जिससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है आपके लिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमें करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो आप यहां पर ध्यान से समझो, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड नियर अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो एक चार्ज प्लेस किया गया है 1 मीटर की डिस्टेंस पे आपका ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट से। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? तो यहां पर आपको फोर्स जो निकालना है वो निकालना है जो आपकी कंडक्टिंग प्लेट है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट और चार्ज के बीच में। तो ऐसा कोई कंसेप्ट आज से पहले तो हमने पढ़ा नहीं है। फोर्स के लिए हमने कूलम्स लॉ स्टडी किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन वहां भी आपके दो चार्ज होते थे Q1 Q2। तो यहां पर तो एक चार्ज है और एक आपका कंडक्टिंग प्लेट है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट। तो कैसे निकाले हम लोग फोर्स फिर? तो ध्यान से देखो, अभी अभी हमने जो कंसेप्ट स्टडी किया है कि जब भी कोई चार्ज हो वो आपका ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर हो, ठीक है, तो उसे आप किस सिस्टम से या किस कॉन्फिगरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमने आज सीखा है। तो देखो क्या होगा, आपको यहां पर सिचुएशन जो दी है पहले मैं वो समझा देता हूं। 1 कूलम और इस तरह से आपका ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट है, डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस है यहां पर 1 मीटर। आपको इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, इमेज थ्योरी अप्लाई करोगे। तो यहां पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्लेस कर दोगे ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट को, और इसके अलावा ये जो आपका है 1 कूलम और यहां पर हो जाएगा माइनस 1 कूलम, ठीक है, क्यू माइनस क्यू। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इमेज आपको बनानी है यहां पर, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये डिस्टेंस जो है टोटल कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, क्योंकि ये 1 मीटर थी, जस्ट इमेज बननी है तो इक्वल डिस्टेंस पर होगी, तो 2 मीटर हो जाएगी। फिर अब आपके पास फोर्स के लिए फॉर्मूला है, क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो यहां पर डायरेक्शन मेंशन नहीं है किसी भी फॉर्मूले में, तो आपको डायरेक्शन के बारे में थिंक करने की जरूरत नहीं है। कोई साइन भी मेंशन नहीं है, तो साइन के बारे में भी थिंक करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एम्पलीट्यूड गिवन है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर दोगे, आप देखो सिर्फ एम्पलीट्यूड आपको गिवन है, तो क्या करोगे, 1 1 दोनों का ही है, तो क्या लिख दोगे, 1 का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, तो आप देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो आंसर आ जाएगा 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो कितनी इजी प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए, अगर हमें ये कंसेप्ट पता था तो। अदरवाइज हम सोचते रह जाते कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें,
हमें तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है कूलम्स लॉ फोर्स निकालने के लिए, जो कि दो चार्ज के बीच में होता है। यहां पे तो आपका कंडक्टिंग प्लेट है और चार्ज है, हम कैसे निकालें? तो काफी इजी हो गया कंसेप्ट। तो आई होप ये जो मेथड ऑफ इमेजेस का कंसेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लेक्चर में हम यही स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।